आज मैं कपड़े पहन रहा था। कपड़े पहन रहा था, इतना दिन चढ़ाया, अब तक सब काम पड़ा हुआ है। अरे ससुराल तो आधी रात को पहुँचेगा, अभी तक ना गाड़ी तैयार है, ना बैलों का भूसा रखा गया है, ना गाड़ी में गद्दा डाला है। अरे तू नहीं चलेगा तो कोई और आ जाए करने को, कोई नौकर चाकर बैठे। अरे फिर मुझे देखो, चल चल ना तो बरातियों के सामने दो चार जमा दूं। रघुनाथ जी, आज देखना है कि ससुराल में किसके बैल भी पाते हैं। शंकर की लगन में किसने पाया था वो बात जाने दो, उस दफा मेरी गाड़ी ठीक नहीं थी। आज न जाने आंगन टेढ़ा।
रखाई, जमीन रखाई। हाँ सच्ची बात है, कई बार रखाई अब छुड़ाई, अब कि भगवान जाने छूटे या न छूटे। बहू का शगुन अच्छा होगा तो छूट जाएगी, बुरा होगा तो गई पाई। भगवान लाज रखना, तुम ही सब जानती हो और कोई कुछ नहीं जानता। चलो चलो।
ऐसी सुंदर, ऐसी गृहस्थ क्यों? और फिर पहले ही साल में जरा क्यों है क्या कुछ शाबाश मेरे शेर की माशाल्लाह। अरे यार शाबाश मेरी चाहे, यानी ये तो जमीन की बात है, जितनी अच्छी जमीन होगी उतने जल्दी पेड़ भी उगेगा। हाँ ठीक है, मगर श्यामो अपनी तो जमीन ही ऐसी बंजर है कि पाँच पाँच बरस हो चले हैं मगर कुछ हरी भरी नजर ही नहीं आती। हाँ यार तुम भी हिम्मत हारने की सी बातें करते हो, कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, लड़का होना चाहिए। वाह ये भी कोई अपने हाथ की बात है? ये मैं कुछ नहीं जानता, लड़की हुई तो बस गला ही घोड़ दूंगा। मेरा कि लड़की का? लड़की का, अरे राम राम अत्या हो कुछ भी हो। अच्छा जो लड़का हुआ तो क्या दोगे, हथेली बनवा दोगे? बस लड़का ही होगा मैं जानती हूँ। कैसे? आज सवेरे सवेरे जैसे ही मैं दरवाजे से बाहर निकली तो सामने से मर्द निकली, बस लड़का हो। क्या ऐसा भी होता है? राधा के यहाँ 6 महीने और हैं। क्यों नहीं चाहिए, मगर तुम्हें लाज नहीं आती? क्यों? अरे 5 बरस हुआ चाहते। अच्छा अच्छा रहने भी दो, कंकर पत्थर भी न हुए। अरे इसमें मेरा क्या दोष, भगवान की मर्जी। हाँ चाहे भगवान की मर्जी समझ लो, और चाहे ये समझ लो कि पिछले जन्म में तुम्हारे 25-30 लड़के हुए थे, इसलिए भगवान ने इस जन्म में तुम्हें एक भी न दिया। वाह ऐसा निराश क्या हुआ ना।
अबे क्या हुआ लड़का के लड़की? ये तो मैं नहीं जानता, तुमने तो कहा था लड़का या लड़की देख के आना। अच्छा चाचा पूछ क्या, लड़का हुआ के लड़की? अबे पूछा था। अबे बात सुन, मेरा नाम नहीं लेना। सुंदर वाले हैं बाल, सुंदर वाले हैं बाल मेरे लला के, सुंदर वाले हैं बाल मेरे लला के। अम्मा जी ने बाबा जी ने, अम्मा जी ने बाबा जी ने, हीरे सब परवार मेरे लला के। सुंदर चाची सुंदर चाची, लड़का हो या लड़की? अरे 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 क्या पागल हो गया है? नहीं नहीं श्यामू काका ने पूछा है। अरे राम राम, कलयुग है कलयुग, आजकल के लड़के न लाज न शर्म, पूछता है लड़का हुआ या लड़की। अरे चाचा लड़का हुआ है लड़का, तुम्हारी कमला भाभी ने कहा है कि लड़का हुआ, तुम्हें देखने को बुलाता है और कहना कितनी कितनी बड़ी मुझे है। गुंगर वाले है बाल, अबे क्या हुआ मोरे लाला, अबे बता क्या हुआ। गुंगर वाले है बाल, लड़का हुआ लड़का, लड़का हुआ। ओ चंदू, ओ मोहन, ओ चुनी, इधर आओ इधर आओ। और सामू काका, कमला काकी ने कहा उसके हित के इतनी बड़ी। गुंगर वाले है बाल, अबे लड़का हुआ लड़का। शर्म देखाया, जोरों की तरह झांक झांक के देखता है क्या? इसका बाप भी ऐसी ही था, ये जब हुआ था तो ऐसा ही झांक झांक के देखता में धूम मची है, उड़े हवा में गुलाल, उड़े हवा में गुलाल। वृंदावन में धूम मची है, वृंदावन में धूम मची है, उड़े हवा में गुलाल, उड़े हवा में गुलाल। भरपूर सारे माने दादा श्याम अखे लाल, भरपूर सारे माने दादा श्याम अखे लाल, उड़े हवा में गुलाल, उड़े हवा में गुलाल। यमुना तट श्याम के ले ओए, रंग चलता गाधर चलती रंगे राधा भोली, रंगे राधा भोली। रंग चलता गाधर चलती रंग चलता गाधर चलती रंगे राधा भोली, रंगे राधा भोली। रात्र जाए कृष्ण कन्हैया होली आई होली, रात्र जाए कृष्ण कन्हैया होली आई होली, होली आई होली, होली आई होली। यमुना तट श्याम के ले होली, यमुना तट श्याम के ले होली, यमुना तट श्याम के ले होली, यमुना तट। बोलो राधे कृष्ण की जय। राजा मेरे नन्हे को आके सुला जा, आती हूँ आती हूँ आती हूँ मैं, मुन्ने को आके सुलाती हूँ मैं। दादी दादी, मौसी जन्ने का क्या खाने जा रही है, तुम भी जला। अरे अभी कहीं नहीं, अरे शाम हो रही है, अभी तक ना तेरी माँ आई ना तेरा बाप आया है, सारा घर का खटक मेरे सर पे डाल दिया। मैं ना होती तो घर में कुत्ते लौटते, कुत्ते। तुम इन्हीं घर में चला। अभी कहीं नहीं, घर अकेला है। नहीं दादी, अब लल्लू तू मार खाएगा। हाँ देख चंदू कैसा राजा है, दादी के पास कैसा चुप के बैठा है।
दादी मैं तुम्हारा सर पर लट्टू फिराऊंगा। अरे वाह दादी के सर पे लट्टू फिराएगा मेरा चंदू। अरे तू तो राजा है राजा, अब से तुझे और छोटे भैया को चीजें दिया करूंगी। हाँ इस पाजी लल्लू को तो पूछ नहीं दूंगी। क्यों दादी छोटा भैया कौन? दादी छोटा भैया कौन? अरे तेरा भाई और कौन? कहाँ है कब आएगा? कहाँ है कब आएगा? अभी कहाँ, वो तो कहीं चौमास तक आएगा। छोटा भैया फिर नहीं जाएगा? नहीं नहीं वो नहीं बिगेगा। अरे देख वो तो छतरी लगा के आएगा छतरी। अरे बहू लो अपने बच्चों को, इतनी उम्र आई लेकिन ऐसे बच्चे मैंने कभी नहीं देखे। अरे घड़ी भर चुप बैठना नहीं जानते? हाँ था मेरा शामू भी ठीक मगर ऐसा नहीं जैसे तुम्हारे बच्चे। माँ जी मुझसे क्या कहती हो? लड़के तुम्हारे कहूँ किससे? हाँ देखा देखा लगी। चलो यहाँ बैठ जाओ। कड़ी खिचड़ी। देखो मिर्च ज्यादा डालना नहीं तो कल की तरह मेरा शामू भूखा रह जाएगा। बहुत मिर्ची होगी तो लड़के कैसे खाएंगे? अरे वो तो दूध खिचड़ी भी खा लेंगे, लड़कों की बड़ी चिंता पड़ी है। अरे बहू जरा चटनी भी पीस लेना। सुंदर चाची, ए सुंदर चाची आओ क्या घर में? आओ आओ सुखी लाला आओ बैठो बैठ। क्या बैठे चाची, 6 बरस हो गए। असल की बात तो रही दूर, ब्याज भी एक पैसा नहीं मिला। इस फागुन में पूरे 6 हो जाएंगे समझी। अरे तो लाला दम क्यों निकला जाता है? कुछ सुंदर चाची मर नहीं जाती है और मरूंगी भी तो तुम्हारा एक एक ढेला देकर मरूंगी। शर्म नहीं आती? वाह जब देखो खड़े हैं। तब कह दिया 2-4 महीने गम खाओ। और सुनो, अरे गम खाते खाते तो 6 बरस बीत गए। दूसरा होता तब तक डिग्री करा के बैल बढ़िया घर खेत सब जब शुरू करा लेता। ये तो हम ऐसे मानस नहीं है, अपने मन में भगवान ने दया दी है तो चुपके बैठे हैं। और इस पर तुम गम खाने की बात कर रही हो। तुमने बड़ी मेहरबानी की लाला। क्या मेहरबानी की, जरा चाची की बातें सुनो। हमारा ही खाएं हम ही पांखे निकालें। देखो लाला गुस्से गर्मी से काम नहीं चलेगा, रुपए लेना है तो धीरज से बात करो। चाची मैं तो गुस्से गर्मी से बात नहीं कर रहा था, तुम ही गरजने लगी एकदम। अरे क्या गरजने लगी, 2-2, 4-4 करके ना मालूम कितने दे चुके, मगर तुम तो ऐसे मांगते हो जैसे कभी कुछ दिया ही नहीं। ऐसी क्या बात है, जो कुछ दिया होगा कौड़ी कौड़ी खाते में लिखा होगा। अरे खाता तो ठहरा तुम्हारा, मन में जो आया लिख लिया, यहाँ पढ़ने कौन बैठेगा? ऐसा ही है तो हम जो कुछ गए उसकी रसीद हमें दे दिया। वाह वाह, ऐसे ही हम 2-2, 4-4 रुपए की रसीद देने लगे तो कर चुके काम। हमारे यहाँ तो छुट्टे की रसीद होती है, जब कुल रकम दे दोगी पुर्जी काट दी जाएगी। हाँ लाला जो मन में आए करो।
चाची मैं तो कहता हूँ इसमें थोड़ी सी भूल तुम्हारी भी। छह बरस हो गए कहो हाँ। अब अगर फसल पर थोड़ा थोड़ा अनाज ही दे देती तो आज को इतना बोझ क्यों होता। लाला कैसी बातें करते हो, लाले पड़े हैं पेट भरने के, अनाज तुम्हें दे देती तो बच्चों को क्या खिलाती। देखो चाची लेन देन ठहरा अपना काम, अब अगर घोड़ा घास से आसनाई करे तो खाए क्या। और चाची अगर तुम देने वाली होती तो हजार उपाय से दे सकती, कुछ नहीं था तो अपनी बहू को ही मेरे यहाँ झाड़ू बर्तन करने को। क्या कहा क्या कहा लाला, होश पे हो। चाची तुम बस चुप रहो, तुम्हारे ना जोरू ना जाता माँ ना बहन नाटे निगोड़े आदमी मेरी बहू तुम्हारे घर झाड़ू बर्तन करने जाती, किसी पोरी समारी से बातें कर रही हो। लाला आज जो हम गरीब हो गए तो क्या हमारी इज्जत आबरू भी जाती रही। गांव वाले पास पड़ोसी बिरादरी वाले क्या कहेंगे, नाक रहेगी या जाएगी। अच्छी बात है, जिस दिन पुरखी आएगी उस दिन देखेंगे नाक रहती है कि जाती। सब कुछ बिक जाए मगर हम अपनी इज्जत नहीं बेच सकते। जब भूखों मरने लगोगी तब देखेंगे कि इज्जत हमारे घर बिकने आती है कि नहीं। चाचा जो कुछ करना है कर लो, ज्यादा से ज्यादा यही ना कि बैल बढ़िया खुलवा ले जाओगे घर खेत से पाल लोगे। अरे हाथ पांव चलता है तो भगवान और दे देगा। भैया बंसी हम तो फर पाए, ब्याह किया था इसलिए घर बसेगा नाम चलेगा। अरे तो क्या बुरा किया ब्याह किया तो, भगवान ने तुझे ऐसी सुंदर गृहस्थ स्त्री दी है कि आसपास के 10-20 गांव में मशाल लेकर ढूंढे तो न मिलेगी। और भगवान की कृपा से दो बच्चे हैं और तीसरे की उम्मीद है। अरे हमको कहो ना, आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देखते हैं कुछ नजर नहीं आता, घर सुनसान मालूम होता है। सच कहते हो बंसी, मगर बाल बच्चे तभी अच्छे मालूम होते हैं जब खाने को रोटी तन को कपड़ा। गरीबी है कि आंखें फाड़ फाड़ हर रोज बढ़ती चली आ रही है, और बच्चे हैं कि आमों की फसल की तरह एक एक चले आ रहे हैं। मेरा पास चले तो एक एक का गला खून। तो आया माँ जी तुम भी खा लो। आओ दादी। अच्छा ला ला पानी तो पिला दो, बड़ी
खांसी आ रही है। आएगी क्यों नहीं? वो कितने दिन जीऊंगी? अरे भगवान, जमीन छूट जाती मेरी जिंदगी में। गाँव भर तमाशा दे, गाँव भर चाहे देखे चाहे अपनी आंखें फोड़े, मुझे क्या। मैं तो ये चाहती हूँ तुम देखो। और ऐसे तो मैं देखता ही नहीं हूँ। देखते तो हो लेकिन चुनरी में कोई और नजर से देखोगे। तो तुम अपने आप को अभी तक जवान समझती हो? क्यों समझते क्यों नहीं हूँ? क्या कोई बाल सुखट हो गए, कोई दांत टूट गए, क्या हो गया जो न समझू? अरे सौहार्दन चाहे 100 वर्ष की क्यों न हो जाए, अपने आप को जवान ही समझती है जवान। अरे बाहरी जवानी तेरी, बच्चे होते ना तब तक दस हो चुके होते थे। मोरे बात के तबनिया तबनिया रे, मोरे बात के तबनिया तबनिया रे, मुहला दो सुनरिया सुनरिया रे, मुहला दो सुनरिया सुनरिया। तो है चुनरी पुलाओ, तो है पनरी बनाओ, तो है चुनरी पुलाओ, तो है पनरी बनाओ। आये देखन को तारे नगरिया रे, आये देखन को तारे नगरिया रे, तो है लादू चुनरिया चुनरिया रे, तो है लादू चुनरिया चुनरिया। कहीं जागे न तो है का नजरिया रे, कहीं भागे न तो है का नजरिया रे, दोहे लादू चुनरिया चुनरिया रे, दोहे लादू चुनरिया चुनरिया। मेरा नाचूं है हल्का करूं, मेरा नाचूं है हल्का करूं, जाऊं चुनरे ओढ़े बजरिया रे, जाऊं चुनरे ओढ़े बजरिया रे, मुझे ला दो चुनरिया चुनरिया। कहीं जागे न तो है का नजरिया रे, कहीं जागे न तो है का नजरिया रे, मोहला दो चुनरिया चुनरिया रे, मोहला दो चुनरिया चुनरिया।
बालक है, ये तो लल्लू और चंदू से भी अच्छा है। आंखें बिल्कुल ही तेरी ऐसी, बड़ा सुंदर, बड़ा सुंदर, बड़ा सुंदर। तेरा जी कैसा है? अच्छा हूँ माँ, इतना झीकने पर भी बेशर्म जिंदगी साथ नहीं छोड़ती। मैं तो अब परेशान हो गया। काहे से परेशान हो गया? बड़े परेशान होने वाला, घर में आज बालक हुआ है, खबरदार जो ऐसी बुरी बुरी बातें मुंह से निकाली। क्या बालक हुआ है माँ? अपना पेट भरने का तो सहारा नहीं, इस बालक सेना को कहाँ से खिलाऊंगा। फिर वही बातें बेटा, बालक कुल के दीपक और भगवान के दिए हुए रतन होते हैं, इन्हीं से तो हमारा नाम चलेगा। नाम तो तब चलेगा जब इनको पाल पोस कर बड़ा कर सकेंगे। क्यों नहीं बेटा, लड़के तो अपनी किस्मत की रोजी साथ ही लेकर आते हैं। देखना ये बालक ऐसा भगवान होगा कि हमारे दरिद्र सारे धुल जाएंगे। हाँ माँ, चंदू की दफा भी तो तुम यही कहती थी, लेकिन अब तक वही फाका मस्ती चली आ रही है। इस तरह अपने मन को कहाँ तक धोखा देते रहेंगे माँ? लाल लगे या मैं तमाशा हूँ? बाबा बाबा बाबा, रोएगा तो टांगे नोच के फेंक दूंगा। इन कमबख्तों का भगवान के यहाँ भी ठिकाना नहीं। दादी के पास खेलो। आज सवेरे से तुमने कुछ नहीं खाया, अब तो खा लो। क्या गया है? जाओ, तुम सब मेरी जान के अजाब, न मैं मरता हूँ न तुमको मौत आती। तुम अपने को क्यों कोसते हो? मैं ही मर जाऊं तो सब पाप कट गए। हमारी क्या? तो तुम कौन सी बुढ़िया हो गई हो? बुढ़िया से भी बदतर। होली दिवाली जो कुछ करना थी नैयर में कर चुकी। और अब क्या हुआ? अब न पैसा न कौड़ी न दिल में उमंग,
जब खाने को होता है तो सब कुछ अच्छा लगता, फिर उनकी ये हालत देखकर और भी दुख होता। जब वो दुखी है तो मैं कैसे खुश रहूं। नहीं देखने का, बस दो एक दिन में जमीन लिखाई लेता हूँ। ए लाला, बेचारे के बच्चे भूखे मर जाएंगे। बाबा, जब तक औरत जवान है बच्चे नहीं मरेंगे। भगवान के आश्रय पर शादी कर ली, बड़े मरद अब कमाते प्राण निकलते। बुरा मालूम होगा तो उसी से कहो। तुम इतने निराश क्यों होते हो? इतने दिन से हाथ लगाई तो क्या मिल गया, मर जाने दो भूखे। कैसे मर जाने दो, भगवान के दिए हुए जीवन। दिया है तो वही पेट भरे, मुझसे क्यों मांगते हैं? विपत्तियों से हार कर पाप की बातें करने लगे। चुप रह, बड़ी पाप वाली आई। तुम तो जानते ही हो लाला, इस साल फसल तो बिल्कुल पकी ही नहीं। ये असल फसल मैं एक नहीं जानता, सीधे से जमीन मेरे नाम लिख दो, मैं दावा कर दूंगा तो मैं हर्जे खर्चे के देना पड़ेगा, जमीन के साथ घर वर सब नीलाम पे चढ़ा दूंगा। लौंग लाला, कुछ मेरे बच्चों का भी तो ख्याल करो। बहुत ख्याल किया बच्चों का। ए, ए।
क्या किया? और होने को आई न, खुद सोती हो ना मुझे सोने देती हो। कमला तुलसी की माँ। अरे अभी से नाम पे रख लिया तो क्या लड़की होगी? तुम्हें कैसे मालूम हुआ? मन कहता है और गंगा माई खुद देवी है, वो लड़का काहे को देने लगी, लड़की ही देंगी। अरे लड़की ही सही, कुछ दे भी। मेरे और राधा के यहाँ थोड़े ही दिन काल बल रहेगा। तो क्या होने वाला है? आजकल श्यामू बेचारा बहुत परेशान है। और मेरी राधा बेचारी भी तो बहुत दुखी है। मैंने उसे कई दिनों से हंसते ही नहीं देखा। जब तक कुंवारी थी बहुत सुखी थी। तो इसमें दोष किसका है? किसी का नहीं, कर्मों का। संसार में यही तो होता है, कोई हंसता है, कोई रोता है, कोई दुखियारी दुख से मारे रात रात पर सोती ही नहीं, कोई मेरे जैसी सुभागिनी चंद्रमा के उजाले में अपने पतिदेव के चरणों में सर रखकर पूजा किया करती है। इस जीवन का क्या ठीक? दादी, कल माँ से कहेंगे।
दादी बोलती नहीं। माजी माजी दादी सो गई, बिल्कुल सो गई। अच्छा अच्छा तुम यहाँ ठहरो। खिलाने के लिए इन्हें भी बेच दूंगी। बिना खिलाए कैसे उधार होगा काका? फिर माँ जी के लिए आप यही सब तो कर सकते हैं। हमको रोटी देते, इनको लड्डू देते, हम भी लड्डू खाएंगे। हम भी लड्डू खाएंगे। हाँ हाँ तुम्हें भी। अरे क्या है, जाओ बाहर खेलो। कमला मासी, छोटा भैया आया। कमला मासी, छोटा भैया आया? अभी नहीं आया, जाओ बाहर जाओ, उधर से आएगा। माँ माँ हमको अंदर लाने दो। कमला आने दे। ये सब मैं कुछ नहीं जानता। रोज आजकल आजकल हो रहा बाबा, मौत और जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। कल को मैं मर जाऊं या इन्हीं को कुछ। बस बस रहने दो लाला, वो बेचारे क्यों मरे, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। तुम मर जाओ ना, तुम मर जाओ तो आधा गांव जिंदा हो जाएगा। ऐसे किसी के कोसने से कोई मर जाया करे, तब तक मैं कोई 40-50 दफे मर चुका होता। तुम मत डरो लाला, तुम तो सारे गाँव को मार के मरोगे। बातें बड़ी बड़ी करती है, कहो ना अपने घर वाले से चुका दे मेरी रकम। मुझसे क्या कहते हैं, उनसे कहो। अरे उनसे तो कहूंगा ही। अच्छा इन बातों को छोड़ो, उनसे कहो कि मेरी रकम मेरे हाथ धर दे, दुनिया भर के झगड़ों से क्या मतलब। लाला क्या धन ज्यादा हो जाने से लोग अंधे भी हो जाते हैं? तुम्हें दिखाई नहीं देता उस बेचारे के पास क्या है जो तुम्हारा रुपया देवे? जो कुछ उसके पास दो चार चीजें थी वो भी बिक गई, और कुछ छोटे मोटे कर्जों में गई, और कुछ चाची के मरने में लग गया। अब उसके पास क्या है जो तुम्हें देवे? क्यों नहीं, जमीन बेच के दे सकती हूँ। और बच्चों को क्या खिलाए तुम्हारा कलेजा? बच्चों का मैंने कुछ ठेका नहीं लिया, चाहे मेरा कलेजा खिलाए चाहे अपना सर, ये मैं नहीं जानता। मैं पहले चिता देता हूँ, सामू कागज पर दस्तखत कर गया। मैं कोई दिन कुर्सी ले आऊंगा, जमीन घर सब उते पोते बिकवा लूंगा, 50 का माल 5 में जाएगा। तभी तुम्हारे कलेजे में ठंडक पड़ेगी। लाला मैं ये कहती हूँ, कितना सारा धन क्या अपनी छाती पे बांध के ले जाओगे? अरे काहे को ऐसा जन्म करते हो लाला। यही तो मैं भी सोचता हूँ कमला रानी, बुरा न मानो तो एक बात देखो, सामू तो शर्मदार आदमी, वो कहीं नदी नारे जाके सुंदर चाची बची थी, वो भी सड़क को गई। अब रही ये अकेली, उनका मन क्या है मेरा सब धन दौलत लेके बैठे। लाला अच्छी बस मार, चला जा मेरे घर। भगवान ने तुझे इसलिए धन दिया कि तू दूसरे की बहू बेटी काटता थे। अच्छा हो तेरे सभी मर गए, नहीं तो तू अपनी माँ बहन पर भी बुरी नजर डाले बगैर न रह। Thank you.
अगर आज वो होते तो ये सब क्यों सुनना पड़ता। राधा घबराओ नहीं, कल ये बड़े हो जाएंगे। भगवान शक्ति दो, मैं इस नरसई को एक एक पैसा अदा कर सकूं। तेरी माँ मेरे से लड़ती है बेटा। नहीं अब की दिवाली में और नए कपड़े बना देना और मुझे भी। हाँ हाँ सबको बनवा दूँ। क्या तू नहीं बोलता तुझे नए कपड़े नहीं चाहिए? अच्छा अच्छा तुझे भी बनवा दूँ। नहीं मजी एक तो महंगा रहता है और चुन चुन मुझ देता है। हे भगवान तूने मुझे दुखियारी पर बड़ी दया दी, मुझे शक्ति दो कि मैं इन छोटे छोटे बच्चों को इस काबिल कर दूं कि इज्जत से अपना पेट भरे और मुझे संसार में कुछ नहीं चाहिए। मैं खुश हूँ, बहुत खुश। लाला तुम्हारे मन से दया धर्म बिल्कुल जाता रहा, ये धन क्या तुम छाती पर रख कर ले जाओगे? काल की वजह से आज सारा संसार भूखा मर रहा है। कैसी तबीयत है? माँ
माँ जिस तरफ भी आंख उठाकर देखो कोसों तक जमीन बिखरी हुई पड़ी है, पेड़ धूप में झुलस गए हैं, बापों के मारे सूखे सहमे जानवर हरेरी ढूंढते हुए मारे मारे फिरते हैं, लेकिन सिवा सूखी मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों के उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। गौओं की हत्या हो रही है, हजारों आदमी भूखों मर गए। अरे अगर तुम्हारे आंखें हैं तो देखो सामने हड्डियों के सूखे हुए ढांचे पड़े हैं, जिनको कुत्ते चिचोड़ते हैं लेकिन बेरस पाकर मुंह फेर लेते हैं, किधर कौवे नोचते हैं लेकिन सूखी लकड़ी की तरह उनमें कोई मजा नहीं पाते। खाना तो खाना, आज पानी मिलना भी मुश्किल हो गया है, तालाब सूख गए हैं, नदी नालों में चल नहीं रहा, कुओं पर धूल उठती है। ये सब बातें देखकर आदमी तो क्या पत्थर भी पसी जाए, मगर तुम होके खजाने पर सांप की तरह बैठे हुए फुंकारे मार रहे हो। अगर इन आदमियों पर नहीं तो इन गऊओं पर दया करो, ये वही गऊ हैं जिन्हें भगवान खुद चराते थे, यही हमारा धन है, यही हमारी संपत्ति है, अगर ये न होंगी तो बैल कैसे होंगे, और बैल न होंगे तो हम कैसे खेती करेंगे। जाओ बाबा जाने खाओ अपना रास्ता, मनुष्य के आगे हाथ फैलाते शर्म नहीं आती है, इतना बड़ा मंदिर नहीं दिखाई देता है जहाँ संसार भर के पालने वाले भगवान बैठे, उनके पास तो नहीं जाते, मेरे पास क्या धरा, जाओ वहाँ। मजी मम्मी भाई आप कहाँ गया? दादी के पास। मैं भी जाऊंगा। नहीं नहीं भगवान नहीं, और तू ही इसे ले लेगा, लेकिन भूखों मार के जीवन लेना ये तुझे शोभा नहीं देता। भगवान हम पापी हैं, हमें समय दे कि हम अपने पापों का थोड़ा बहुत सुधार करके अगले जन्म के लिए तैयार हो जाएं। राधा रानी, हे राधा रानी, कुछ रुपए की फिक्र है? आजकल तो सीधा बहाना है, कहते हो काल पड़ गया, मगर सुखी लाला को काल से क्या काम, यहाँ तो भगवान की दया से सब आनंद है। दो मुर्दा दे रही हो, अरे इसके हाथ गले में कुछ सोना डाल के दो तो मैं ले भी लू, ऐसे भूखे मुर्दे तो गांव में बहुत। अभी समय नहीं गया, फिर कहता हूँ मेरे घर काल नहीं आया, चलिए आओ, काहे को बच्चों की हत्या लेती, अभी दो है उन्हीं को बचा। हे भगवान, क्या फिर कभी पानी ना बरसेगा? अभी अभी गाय भी मर गई। गाय भी मर गई? इतने दिन तक दरख्तों की जड़ें खोद खोद कर खिलाते रहे, लेकिन फिर भी उसकी जान न बचा सके, आखिर बेचारी मर ही गई। अभी समय नहीं गया, फिर कहता मेरे घर काल नहीं आया, चलिए आओ, काहे को बच्चों की हत्या लेती है, दो है उन्हीं को बचा लो।
मेरे अंधेरे घर में उजाला कर दिया। हमने आधा सपना तो सच्चा कर दिया कि तुम आ गई, लेकिन बंद खबर के लाला ये कपड़ा सिंगार के क्या अपने बच्चों के लिए अपना शरीर बेचने आई। ठीक है राधा रानी, ठीक है, लेकिन जब कोई व्यापारी अपनी चीज बेचता है तो उसे बना संवार कर कहा के सामने लाता है। तुम खाली रूप देखते हो, आत्मा नहीं देखते। आत्मा राधा रानी, आत्मा तो भगवान की चीज है, संसार तो बस रूप देखता है, रूप चमत्कार। के घर से लक्ष्मी जी निकल जाती मगर खिलाला के घर आते आते चली जाती है। कितने कैसे हो लक्ष्मी? तुम्हें और हाँ लाला सच कहते, काल के समय बेचारी लक्ष्मी अपने सब की रक्षा न कर सकी, आज तुम्हारे हाथ अपना सब बेच कर अशुद्ध होने आई है। माता दाता के रूप में आकर तुमने भी अपनी लाज गंवाई, भूल की। अरे
देखो कितने तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया, बस भाग गए। मैंने अपने आप को बहादुर समझा। आना आना बेटा। अबे मैंने तुझे हजार मरतबा मना किया कि चूहा न खेला कर, न खेला कर, मगर तेरे कान से जूं तक नहीं रिंगती। बदमाश कहीं का, मारते मारते दूसरे की हड्डियां पसने सब बराबर कर दूंगा। शर्म नहीं आती चमार पासे के छोकरों के साथ खेलते हुए? खूब श्यामू भैया का नाम रोशन कर रहे हो। काका तुम्हारी कसम, मैं खेल छोड़ रहा था। ये खेल नहीं रहा था तो क्या मेरा सर कर रहा था? बदमाश। काका तुम्हारी कसम, भगवान की कसम, मैं खेल नहीं रहा था, बल्कि मैं उन लड़कों को बता रहा था कि कैसे फैला चला है गुरु बन के। देख सीधा घर जाइए नहीं तो मारते मारते सवेरा कर दूंगा। क्या कहीं का। अरे काका बाजार जा रहे हो तो गेहूं और ज्वार का भाव लेते हैं ना। है तो सही। अरे राम राम राम, क्या छोक रहा है। बोल बोल तू बोल रे बन के पंछी बोल, बोल बोल तू बोल रे बन के पंछी बोल। तेरे मीठे गीत सुहाने प्यारे प्यारे तेरे गाने, तेरे मीठे गीत सुहाने प्यारे प्यारे तेरे गाने। कानों में रस घोर पंछी, कानों में रस घोर, कानों में रस घोर पंछी, कानों में रस घोर। बन के पंछी बोल, बोल बोल तू बोल रे बन के पंछी बोल। बन का पंछी तेरा पुजारी, बन का पंछी बन बनवारी, बन का पंछी तेरा पुजारी। सजनी मुख तो खोल, सजनी मुख तो खोल, सजनी मुख तो खोल, सजनी मुख तो खोल, तू बन के पंछी बोल। बोल रे बन के पंछी बोल। दारू से बोले बन का पंछी, तन में गावे बन का पंछी। दारू से बोले बन का पंछी, तन में गावे मन का पंछी। ओहो, ये इतनी देर से तुम गा रही थी? मैं समझता था मेरी जमना रानी गा रही। आप मेरी धोखा रानी, मैं तुझे बने से लगा ली। तेरी आवाज बिल्कुल मेरी जमना रानी से लगती है। तेरा नाक, तेरी आंख, तेरे कान, वाह 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 वाह, तेरे दांत। आज से तू मेरी पतिव्रता पत्नी और मैं तेरा पत्नी व्रता पता है? क्या कहा?
बदनामी होगी, बगैर कुंडली निकला ब्याह नहीं करूंगी। ए मेरे राम, अब तुम्हारे लिए मैं कौन सा पंडित बुला के लाऊं? तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? सांप को देख के चैन नहीं पड़ा, कलेजे में भूख सी उठने लगी। मुझे झगड़ों से क्या, मैं तो जमुना रानी और ठोका रानी दोनों की कुंडली निकलवाऊंगा और जिससे मिलेगी उससे ब्याह करूंगा। नहीं जमुना रानी, क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? तुमने तो हत्या ले ली, सत्यानाश करके रख दिया। ओ हो, जाने तो जाने तो जाने तो मर गई बेचारी, मर गई मर गई मर गई। इतनी जलन, इतना बैर, इतनी जलन, इतना बैर उस बेचारे गरीब ढोकर रानी से। चलो जमुना रानी, सच सच कहना, तुम्हें कसम है अपने कुआं सर कि पिछले जन्म में तुम ढोकर रानी थी या नहीं? अच्छा बस जाओ। नमस्ते सर। जियो बेटा जियो। आओ, थोड़ी देर कर दी। क्या करूं बेटा, रास्ते में काशी बहन मिल गई, उनसे बातें करने लगी। बहू आज पार्वती कैसी है? सब तुम्हारी दया से, कुछ खास बात नहीं है। आओ बैठो बेटा। मनुष्य क्या खा के दया करेगा, दया सब भगवान की। बहुत दवाई लाए? लाता कहाँ, आपका रास्ता देख रहा था। लो जल्दी से दवाई ले आओ, उतनी देर मैं उसके पास बैठती हूँ। नंदी के थैला ने घेर लई हो, मोरे नंदी के थैला ने घेर लई, मोरी बीच डगर मालाज गई हो। यहाँ क्या कर रहे हो? क्या गाँव भर में और कोई जगह नहीं मिली? जगह तो बहुत है, लेकिन इस वक्त इससे बढ़िया जगह और कोई नहीं। बिजू, तुम्हें शर्म नहीं आती? बिल्कुल बैठ गई। मैं शर्म का ही, कन्हैया जी यहाँ बैठे देख रहे हैं और राधा जी वहाँ आ रही हैं। ऐसा मत कहो, मासी का नाम भी तो राधा है। खबरदार जो ऐसी बात की, जानती हो बहुत बुरा आदमी हूँ। तो क्या करोगे, बुरे आदमी हो अपने घर खुश रहो, यहाँ किसे जलाते हो? अच्छी बात, इस दिन ऐसा मजा चखाऊंगा कि। अच्छा आप जाओ, मैं बाहर निकल रही हूँ। निकला करो बाहर, मैं तो नहीं जाता। देखो तुम क्या करोगी। देखो बिरजू, मैं किधर जाकर आधा माफी का कह दूंगी। अरे हाँ हाँ, एक दफा नहीं सौ दफा कहो, मैं तो यहीं बैठूंगा। तो बैठी रहो, अपनी आंखें फोड़ो, मेरा क्या लोगे? भगवान करे पाँव फिसले गगरी फूटे। ये मर्द का पाँव नहीं, औरत का पाँव है। अरे आज मैं जो बात तुमसे कहने आई थी वो तो भूल ही गई। क्या बात है? मैं बिरजू की शिकायत करने आई थी। क्या जानते हो कल क्या हुआ? क्या हुआ? सच कहती हूँ, तुम्हारा भाई ना होता तो ऐसी सुनाती के याद करता। क्या किया उसने? देखो कल मैं खेत जा रही थी, वो भी उधर कहीं से आ रहा था, ऐसे करता हुआ जैसे ही मेरे पास आया, कहने लगा भाजी कहाँ चली, जरा जमीन जमीन चला था। मैंने कहा देखो बिरजू होश में रहना। कहने लगा होश में क्या रहूं, क्या कुछ झूठ है? कह दो कसम से तुम भाजी नहीं हो। इस पर मैं कुछ नहीं बोली। तो तुम कह देती तुम भाजी नहीं हो? जी मैं तो आया कह दूं तेरी भौजी यहाँ कौन है, लेकिन मुँह से नहीं निकली। फिर मैं चलने लगी। मैंने कहा अच्छा रास्ता छोड़ो। कहने लगा मैं तो नहीं हटता, और लगा गाना गाने। गाना गाने? कौन सा गाना? सुना 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 सुना, कौन सा गाना सुना तूने मेरे को? मोहे नंद के चलाने घेर लई, जन घर मोरी लाज गई। अरे बाबा ध्यान से काम करो, ध्यान से, ये सब खराब हो रहा है, इसे यहाँ ठीक से लगाओ। अरे छोड़, अरे छोड़, तू मेरे से कहाँ गया था?
वहाँ पधार गया था बड़े जरूरी काम से। जरूरी काम? छोड़ मुझे। अरे मैं गिर जाऊंगी। कैसे गिरेगी? छोड़ मैं बाजार गया था बाजार का भाव लेने। अब ये अनाज दो तीन दिन में तैयार हो जाएगा। इसी के बारे में दो तुम्हारा तो बातचीत बोल रही हो। अरे तू सवेरे से अभी तक बात ही कर रहा था और अभी अभी तेरे बंसी काका कह रहे थे कि तू चमार पासी छोकरों के साथ जुआ खेल रहा था। माँ बंसी काका को कोई काम भी नहीं। जब देखो जब मेरे पीछे पड़े रहते हैं। मैं सच कहता हूँ माँ जो मैंने जुए की सूरत भी देखी हुई। तुझे यकीन है माँ मैं जुआ खेलता हूँ? माँ मैं सच्ची सच्ची बता दूँ कहाँ गया था? कहना मत किसी से नहीं तो सब रंग में भंग हो जाएगा। कुछ कहेगा भी नहीं माँ पहले कसम खा। नहीं नहीं किसी से नहीं। देखना बात ये है अपने यहाँ से दो मील दूर नदी के किनारे एक साधु बाबा आए हैं। जटाधारी ये बड़े बाल ये बड़ी आँखें बड़े पहुँचे हुए माँ। और मैं तो तुझसे ये कहना भूल गया 15 दिन से देख रहा हूँ एक पाँव पर खड़े हैं और वो भी जमीन पर नहीं। फिर किस पर बेटा? इतनी इतनी बड़ी लोहे की कील। फिर मैंने कहा बाबा जी हमें भी कुछ दे डालो तो कहने लगे फिर कभी आना बट्टा। हाँ मैंने कहा बाबा जी कहने लगे ऊपर। सच कहता हूँ 12 बजे दिन को इतने इतने बड़े सितारे नजर आने लगे। अरे माँ फिर कहने लगे कि 2-4 दिन में भगवान दिखा दूंगा बट्टा। बस माँ मैं 2-4 दिन में भगवान जी के दर्शन करने वाला हूँ। अरे ओ मंगू जरा ठहर। अरे भेजू मुझे भी वहां ले चल। बिच्छू मुझे भी कल ले चल मुझे कुछ मांगना है। देख माँ रामू भैया से नहीं कहना नहीं तो मैं तुझे नहीं ले जाऊंगा। नहीं, नहीं। माँ देख कितने सुंदर पहला है। माँ सारा गांव इनकी तारीफ कर रहा है। झूठ माँ बिल्कुल झूठ। चुप रह। सुंदर है बेटा बहुत सुंदर, सुंदर है ना माँ। वो मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ सुंदर है ना माँ। देख तो माँ कितने सुंदर पहला। माँ रामू भैया से 82 रुपए तो मांगे। मैं कैसे माँ पूरे 200 के लाए। 200 के थक गया माँ बिल्कुल थक गया। ये बहस 150 से ज्यादा की नहीं हो सकती। देख माँ बिट्टू खाम खा मुझसे दबान लड़ा रहा है। दबान लड़ाना क्या मैं यही बहस 150 के लाके देखा। माँ ये मुझे चोरी लगा रहा है। मैं चोरी लगा रहा हूँ। चोरी लगा तेरा मतलब क्या? तेरा मतलब क्या? माँ तेरे लाड प्यारे तो बिल्कुल बहुत खराब है। हाँ मुझसे ही तो प्यार करती है तेरे से नहीं करती। ये भगवान तूने मुझ पर बड़ी दया। मैंने संसार में सब कुछ पा लिया अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। रात दिन मेहनत करके एक एक पैसा सबका अदा कर तेरी कृपा से घर जमीन खेत गाय सैल सब कुछ मेरे पास। अब मैं तुझसे कुछ नहीं मांगती बस मेरे रामू और बिजू का कहीं अच्छी जगह ब्याह करा दे और उनके दर्शन करा दे। राधा चाची बहुत दिनों से काशीबाई दिखाई नहीं देती। अरे बिचारी दुनिया के धंधों में फंसी होगी। बस रहने भी दो उन्हें दुनिया के धंधे भी कौन से हैं सिवा एक के। जब आएगी अपनी ही लड़की की बात करती हुई आएगी। अरे आओ काशीबाई आओ बड़ी उम्र होगी तुम्हारी। अभी अभी तुम्हारी बात चल रही कहो काशी बहन इतने दिन कहाँ रही? सोमवार की गई आज दिखाई देती हो। अरे बहन क्या करूँ घर में कुआरी लड़की बैठी कहाँ रोज रोज मारी मारी फिरूं। मेरे पाँव में तो बेड़ी पड़ी है बेड़ी। तो फिर आज किस पर छोड़ के आई हो? किस पर छोड़ के आई? बाहर से जंजीर लगा कर आई वो अंदर तोड़ सजनी सजनी खोल के वारे तेरे साजन आए दुबारे। सजनी खोल के वारे तेरे साजन आए दुबारे।
डराते? क्या ना, किसे डराते? हम बिनती करते तेरे, हम बिनती करते तेरे, बस आजा पास हमारे। हम बिनती करते तेरे, बस आजा पास हमारे। सजनी खोल किवारे, तेरे साजन आए दुआरे। सजनी मासी, मासी मेरे घर गई है, वहाँ से बातें कर रही है। हाँ हाँ, मुझे मालूम है तुम जाओ। क्या तुम्हें बुला रही है? हाँ। आज इतने सवेरे ही सो रहा होगी क्या? ओ जमना, अगर तुमने अंदर से खिड़की क्यों बंद कर ली? रामू, तुम बहुत अच्छे आदमी हो, इस वक्त घर जाओ, मुझे नींद आ रही है। अच्छी बात है, तो क्या मैं सुबह चला जाऊँ? हाँ, मगर जरा मंत्र होते हुए जाना। कमला बहन, क्या बताऊं, तीन बार कुंडली निकलवा चुकी हूँ, किसी तरह भी रामू और तुलसी का मेल नहीं निकलता। तो मैं तुमसे शिकायत थोड़ी ही करती हूँ, नहीं निकलती तो जाने दो, भगवान की मर्जी। कभी कभी तो जी में आता है लाओ राम के नाम पर कर। नहीं नहीं बहन, ऐसा ना करना। देखो तुम्हारे सामने ही की बात है, नत्थू राम ने अपनी लड़की की शादी ऐसे ही की थी, फिर क्या गत हुई, पूरा एक बरस भी ना बीता, न लड़की रही और न लड़का, अब रोते हैं। हाँ बहन, मुझे भी शक आता है, अरे नसीब में होगा तो हजारों लड़के मिलेंगे। अरे रामू के साथ नहीं निकलती तो बिरजू के साथ निकलवा कर देखो। काशी बहन बूढ़ी हो चुकी मगर समझ ना आई, अरे पहले बड़े की नहीं करेगी तो क्या छोटे की कर देगी? हाँ ये तो ठीक है, मेरी अकल भी आजकल ठिकाने नहीं है, दिन रात मुझे खुद अपनी जमुना की फिक्र रहती है। हाँ राधा देवी, गंगा बहन की लड़की भी जवान होने को आई है, उसके साथ निकलवा के देखो। अरे वाह वाह, अच्छी रही, राधा बहन से मैं पहले कह चुकी हूँ, तुलसी के साथ ना निकलेगी तो मेरी जमुना के साथ निकाली जाएगी। सामने बैठी है पूछ लो ना, और मेरी जमुना में बुराई ही कौन सी है। हाँ भाई हाँ, मैं इनकार थोड़ी करती हूँ, कल ही पंडित बुलवा लो। हाँ कल ही बुलवा लूंगी, पक्की रही। कहाँ गई थी तुलसी? ये तेरे खेल कूद के दिन है, चार दिन में पराए घर जाएगी, वहाँ पर भी खेलना। तो माता जी मैं कहाँ गई थी, और ऊपर से जबान लड़ाती है। बस कह देती हूँ, आज से तुझे घर के बाहर न देखूं। अरे क्या हुआ, क्या होता क्या, मैं दिन भर घर के काम काज में मरी जाती हूँ और तुम्हारी लाडली बेटी को खेल कूद से छुट्टी ही नहीं मिली। अरे तो क्या हो गया, बच्चा ही तो है, अपने दिन भूल गयी है। अरे सुनो तो, पूजा की ना जरा। अभी तुलसी की लगन का कुछ ठीक करोगे या नहीं? मैं उसमें क्या कर लूँ, लड़के कोई बाजार में तो मिलते नहीं जो खरीद के ले आओ, और रामू से कुंडली नहीं मिलती, नहीं तो अब तक की हो भी गई होती। कुंडली नहीं मिलती तो और कोई लड़के है ही नहीं संसार में। है क्यों नहीं, राधा बहन कहती थी कि रामू से कुंडली नहीं मिलती तो फिर जूसे कर दो। अरे वाह वाह, मुझे अपनी तुलसी का गला तो घोटना है नहीं, जैसे शराबी और जुआरी के साथ कर दूँ, चाहे राधा बहन बुरा ही क्यों ना माने। अरे बाबा तुम्हारी लड़की है जो चाहे क्या। सुना है कि उसके पास बंदूक भी है। हाँ है तो, लेकिन बेकार, उसके दादा के वक्त की है, इसने जन्म में एक दफा भी नहीं चलाई। चलो चलो, इसका कोई डर नहीं। अच्छा चलो।
अरे गुलाबचंद, ओ गुलाबचंद, बंदूकला बंदूकला, कुछ खतरा मालूम होता है, जल्दी ना, अबे चकरा के बच्चे जल्दी ना, पकड़ बत्ती गुलाबचंद जरा बत्ती बता मार दूंगा अरे भाई तुम यहाँ क्या मांगते हो भाई अरे भाई क्या है मेरे को अरे जाओ तुम्हारा क्या काम है अरे भाई यहाँ क्या है भैया यहाँ क्या काका इसकी तो मुझे सख्त जरूरत थी इसके बगैर तो मेरा काम आगे नहीं चलता लो भाई इसे रख लो काका और सब कहाँ रखा है कुछ नहीं है लो भाई कहते कुछ नहीं आओ जरा काका बता दो कहाँ है काका बता दो चूल्हे में गड़े हैं अच्छा तो चलो तुम ही खोद कर निकाल दो काका जरा तकलीफ तो हो गया हो ओहो यहाँ रखा जरा अपने खोदने का औजार ले आओ काका जो रुपया तुमने चूल्हे में दबा रखा है ये रोज कहते थे हमें निकालो हम बड़ी तकलीफ में अरे काका लक्ष्मी की तो पूजा होती है और तुम चूल्हे में गाड़ के रखे हो भाई खोदो काका तो बेचारे को बहुत तकलीफ हो रही है जरा मदद करना समझे अरे भाई आपका नाम तो बताओ चलो भाई मत बताओ ले जाओ आपके भाभी का तो है काका तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही ला मैं निकालू भाइयों इतनी उम्र आई लेकिन तुम जानो ऐसी वारदात अपने गांव में कभी नहीं ऐसे लुटिया चोर बहुत आए मगर ऐसा डाका न भैया अपने गांव में कभी नहीं पड़ा हाँ लाला सच कहते हो मैं भी बूढ़ी होने को आई मेरे सामने भी ऐसा कभी नहीं हुआ और राधा बहन हम सब गांव वालों को बहुत जल्द इसका उपाय करना चाहिए भैया हजार बिस्तर तो ये काम है किसी जाने बूझे आदमी का है कोई अपने गांव वाला नहीं तो भला बाहर वाले को किसी के घर का हाल कैसे मालूम हो सकता हाँ चाचा ये बात तुम पक्की कह रहे है कोई जाना बूझा आदमी हाँ भैया तो भाइयों मेरी समझ में एक उपाय आता है अगर सबकी राय हो तो करो और नहीं तो कुछ और सोचो पहले उपाय तो बताओ चाचा नहीं चाचा पहले मेरा उपाय सुन लो हम अपने अपने घरों के चारों तरफ तालाब खोद ले चाचा देखो राजा ये भला हंसी का मौका चुपया बिरजू हाँ लाला तो फिर उपाय तो बताओ हाँ उपाय ये है कि हम सब गांव वाले मिल के एक दरखास्त लिख के कलेक्टर साहब को चल के दे अच्छा कि वो गाँव के चार छह भले आदमियों को जान के बचाव के लिए बंदूक रखने का लेसन दे दे कौन कौन आदमी चाचा जैसे तुम और जैसे हम ठाकुर बंसीधर लाला राम किशोर सुकुल महाराज लाला ईश्वर दयाल लाला मुकुंद लाल अपने लाला फूलचंद अरे भैया बंदूक तो थी मगर वो भी छीन ले गए तो काका आपकी तुम तोप रखो चुप है हाँ चाचा तो बस भले आदमी तो सब खत्म हो गए नहीं भाई अभी चाचा ने तो अपना नाम लिया ही नहीं हाँ मैं भी सही नहीं चाचा तुम बंदूक ना खरीदना नहीं तो खर्च बढ़ जाएगा और चाचा मेरी सुनो चलाने के लिए एक नौकर भी चल पक पक करे यार चल देखा बन चल 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 ने मस्तों को बेसुध बना दे हम पिला दे अपने मस्तों को बेसुध बना दे हम पिला दे मेरे सपनों की दुनिया के बाद तेरे दर्शन किया
जाई गलियां खिला रे, हाँ खिला दे खिला दे खिला दे, हाँ खिला दे खिला दे खिला दे। जाओ ना, जाओ 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 जाओ। तो क्या तुम समझते हो कि मैं सचमुच कर दूं? मैं तुम बड़े बहादुर हो। अच्छा जम्मे रानी, मैं कुंडली लेकर पंडित जी के पास जा रहा हूँ। और अगर कुंडली ना मिली तो? मिले कैसे ना, कुछ दिल लगी है। दो मन चने पंडित जी की भेंट कर चुका हूँ और दो मन चने देने का वादा और है आती फसल पर। तो क्या तुम समझते हो कि चार मन चने के लिए पंडित जी झूठ बोल देंगे? तुम उनसे झूठ बोलने के लिए थोड़ा ही कहूंगा, मैं तुमसे ये कहूंगा कि देखो पंडित जी, हिसाब लगाना आपके हाथ में है। ऐसी जुगत से हिसाब लगाओ कि बगैर मिले जाने ना पाए। भैया रामू भैया, क्या देख लो, मैं जता देता हूँ, अपने बिरजू को मना कर लो। आज मैंने तुम्हारा मुंह करके छोड़ दिया और मार भी खा ली। क्या है, कुछ कहेगा भी? होता क्या, एक तो जुआ खेलते हैं, जब हारने लगते हैं तो बेईमानी करते हैं। आज 50 का दाव लगा था मेरा सत्ते पर, उनका 90 पर। सत्ता गिरा, कहने लगे 9 और झट से कौड़ी बिगाड़ दी। और मैं बोला तो उल्टे मारने लगे। भला कन्हैया महाराज से आज तक कोई जीता है? पनी कौड़ी चलती है, गल्ला बेच के 200 लाए थे और सब हार गए। जुआ खेलता है, जितने गाँव में जुआ रही है सबका सर तोड़ दूंगा। आज पीछे मैंने जुआ खेलते देखा तो मैं तेरी टांग तोड़ दूंगा। सुना बुरा मालूम हो या अच्छा, मैं एक दिन बिट्टू के हाथ पांव तोड़ के धर दूंगा। क्यों, क्या हुआ? तेरा बेटा अब एक दिन मुझे और तुझे भी बेच के जुआ खेल डालेगा। 200 का अनाज बेच के जुए में हार गया। हे भगवान, यदि मैं कहती थी आज सवेरे कहाँ चला गया? तेरे ही लाज प्यार से खराब किया है। हर वक्त उसी की तरफदारी करती रहती, जैसे वही तो तेरा लड़का, मैं तो हुई नहीं। तेरा क्या मतलब है, इसका गला ढूंढ दूं?
उसको घर से निकाल। बेशक अगर मेरा लड़का ऐसा बदमाश होता, अगर कुंडे भर को बदनाम करता होता, तो मैं एक दिनों से घर में न ठहरने देता। ठीक है बेटा। हाँ अगर होता तो ऐसा ना करता। बिरजू खैर, बिरजू वो रुपए कहाँ है? रुपए? हाँ कैसे रुपए? वही जिसकी तूने ज्वारी बेची है यार। ज्वारी बेची? किसने बेची? बिरजू मैं पूछता हूँ वो रुपए कहाँ है? 200 रुपए की ज्वारी बेच के तुम्हारा क्या मामला? मैं जुआ खेलता हूँ। माँ माँ देखो भैया को मना कर लो, अभी मुझे बहुत परेशान करने लगे। फिर मैं कुछ कहूँगा तो तुम कहो कि बड़े भाई की बदतमीजी करता है। रुपए तुमसे क्या मतलब? रुपए से मैंने अपने हिस्से का अनाज भेज डाले, तुम कौन होते पूछने वाले? रामू चुप रह पानी, बड़ा है हिस्से वाला। कितने दिन साल में काम किया तूने? है मेहनत करते दम निकलता है, हिस्सा लेने को सबसे अच्छा है। अच्छी बात, मैं तो पहले ही से जानता था कि मेरा इस घर में गुजर नहीं हो सकता है। मैं ही कहीं चला जाऊं। हे भगवान, मुझे क्या मालूम था कि इस जन्म में अपना घर उजड़ते देखना पड़ेगा। मैं तो जानती थी कि इस उम्र में मेरे बच्चे मुझे सुख देंगे। वो तो मैं जानता ही था माँ कि तुम सारा दोष मुझे को दो। नहीं बेटा, मैं दोष किसी को नहीं देती, दोष सारा मेरे कर्मों का। बिरजू मुझे जाने दो माँ, रोको मत। रामू ओ सेठ जी कहाँ जा रहे हो? काशी? तुमसे क्या? कहीं जा रहा हूँ। तो दादा माफ कर दे, बड़ा इतने बड़े छोटे की क्या बात। बिरजू और मार खाएगा क्या? चले आते छोड़। रामू लगा ले गले। बड़ा आया जाने वाला है, कभी ख्याल नहीं। सुनो बिरजू की यही हालत रही तो कैसे काम चलेगा? अरे सब चल जाएगा, माँ से कह के उसका ब्याह करा दूंगा, बस ठीक ठाक जाएगा। नाक की सीध में है जो तो। अब वो सुधर नहीं सकता, आज अनाज बेचकर जुआ खेल डाला, कल जमीन बेचकर भी खेल डालेगा। मैं तो जानती हूँ तुम अपना हिस्सा अलग कर रहे हो, तुम्हें क्या फर्क पड़ी है जो तुम उसका भी काम करो? वो तो काम कभी करेगा नहीं, और हिस्सा लेने के लिए सबसे पहले चाहिए रोज रोज की मारपीट, रोज रोज के झगड़े, इससे अच्छा तुम अलग मकान बना कर रहो। चंदा आज तो तूने ये बात की है, लेकिन अब कभी ना करना। बिरजू अच्छा है बुरा है मेरा भाई है, अनाज तो अनाज, अगर एक दिन मुझे भी बेच डाले तब भी मैं उससे अलग नहीं हो सकता। यमुना लाठी मारे से पानी अलग नहीं होता, हम दोनों ने एक ही माँ का दूध दिया। बिरजू बदमाशी नहीं छोड़ोगे? हटो रास्ता छोड़ दो। देखो तुलसी रानी जरा सोच समझ कर बात किया करो, इस वक्त गर्मी गुस्से से काम नहीं चलेगा, समझी? एक मील दूर गांव है, काट कर डाल दूंगा। मैं तो हंसी से कह रही थी। तुम्हारी कसम सुन, अब मैंने खोटे काम सब छोड़ दिए, गांजा चरस जुआ शराब और छेड़छाड़। जवानी कसम छेड़छाड़ बस तुमसे, तुम्हें छोड़ गांव भर माँ बहन। लेकिन तुम मुझे क्यों छेड़ते हो? ये बात दूसरी है। अच्छी बात खैर हो रही है, मैं जा रही हूँ। अरे जरा सुन तो, कहाँ जा रही है? जरा अरे भगवान कसम बड़े अच्छे भाग है तुम्हारे, मेरी पत्नी होना कोई मामूली बात है।
अरे गांव भर की छोकरियों के कलेजे पर सांप लूटेंगे, सांप सब दांत लगाए बैठी थी। और अगर तुम्हारे साथ भी कुंडली न मिली तो? लेकिन कैसे नहीं, पंडित जी महाराज का घर फूंक डालूं घर। अरे तुम तो कहते थे कि ये बुरे काम तुमने छोड़ दिए हैं। शरीफों के साथ शरीफ और बदमाशों के साथ बदमाश। खैर इन बातों को जाने दे। देख मैं तेरे लिए फर्स्ट क्लास नंबर वन चीज लाया हूँ। ले, ले, ले शादी के बाद क्या और शादी के पहले क्या। ले चल ले ले, हाथ में ले ले वो हाथ में। सुनो क्या हुआ? अरे कुछ कहेगी भी क्या हुआ? मेरे कड़े खो गए हैं। कड़े खो गए? ढूंढ यहीं कहीं होंगे। कल से कोना कोना तो ढूंढ डाला। क्या कहा, कोना कोना ढूंढ डाला? तो फिर गए कहाँ? 150 की रकम तूने तो कह दिया खो दिए। जिसने बनवाया उससे भी पूछा है? क्यों, क्या हुआ? तुम्हारी बहू रानी ने सोने के कड़े खो दिए। बड़े ताज्जुब की बात है, दिन दहाड़े घर से चीज गुम हो जाए, फिर इनके कमरे में जाता ही कौन है? या तुम या ये खुद या कभी कभी बिरजू, मगर मेरा बिरजू तो ऐसा है ही नहीं। क्यों नहीं? खबरदार जो अच्छी बात कभी की। क्या कहती है? कुछ नहीं माँ। नमस्ते मासी। जियो बेटा जियो। कहो कमला ने किसी काम से भेजा है? नहीं, मैं तो भाभी से मिठाई खाने आई हूँ। भाभी तुम्हारी कोई चीज खोई है? अरे बेटा आज कड़े खो के बैठी है, लीजिए मासी। भाभी छुपाने की क्या बात थी, यू साफ साफ कह दिया होता कि बिरजू भैया क्या तुलसी को भिजवाए हैं। हाँ बेटी ये कड़े तुझे कैसे मिले? क्या बताऊँ मासी जी, आपके ख्याल से तो मैंने अभी तक कोई शिकायत नहीं की, लेकिन उन्होंने तो घर से निकलना रास्ता चलना मुश्किल कर दिया है। जब देखो छेड़छाड़, जब देखो छेड़छाड़। मैं अकेली खेत के तरफ से आ रही थी तो रास्ता रोक के खड़े हो गए और कहने लगे लो ये कड़े मैं तेरे लिए लाया हूँ। सुन लिया तुमने माँ, ये गुण है तुम्हारे चाहते बेटे के। अब अगर बंसी काका को मालूम हो तो क्या हो? अच्छा बेटा वो आएगा, मैं उसे समझा दूंगी, तुझे कभी नहीं छेड़ेगा। अच्छा मैसी मैं जाती हूँ। नमस्ते। जियो बेटा जियो। देखा माँ, शक मुझे भी था, मैंने तेरे डर से नहीं कहा। अरे माँ जिसको अनाज बेच के जुआ खेल डाले में डरना हुआ तो कड़े क्या चीज है, खूब तेरा नाम चला रहा। अरे बाबा तू क्यों उसके पीछे पड़ा है, आएगा तो डांट दूंगी। तो उसको डांटती रहती है। मोहन नंदी के छलाने तुलसी घर लई मोरी बीच डगर मालाज गई। मोहन नंदी के छलाने घर लई तुलसी। मैं पंडित जी से मिल आया हूँ, समझी अपनी कुंडली मिल गई। और सुन तो कड़े भी मत पहनना। क्या मोहे नंदी के छलन घेर लई मजबी मोहे नंदी के छलन घेर लई मोरी बीच डगर मालाज गई। मोहे नंदी के छलन छैला के बच्चे ये किसको देकर आया था है? ये क्या है माँ? अरे हाँ हाँ मतलब तुम्हें क्या मालूम। नंद के छैला। बिरजू मैं तुझसे पूछ रही हूँ कि ये भावच के कड़े किसको देकर आया था? भावच के? मैं नहीं जानता हूँ माँ। बिरजू तुझे शर्म नहीं आती, मुंह दर मुंह झूठ बोल रहा है? क्या इस उम्र में भी मार खाने को जी चाहता है? तू तो खामखा बिगड़ी जाती है माँ। मैंने एक दफा कह दिया कि मैं नहीं जानता तो तू फिर भी गड़ी गड़ी। माँ तुम तो समझती नहीं हो, ये कड़े आप से उड़ के तुलसी के पास आते, तुलसी बेचारा क्या जाने। देख माँ रामू भैया को मना कर ले, ये मेरे बीच में ना बोला करे। और क्या, तेरे बीच में कोई ना बोले चाहे तो सारे कुटुंब भर की नाक कटाता फिरे। शर्म नहीं आई भारत के कड़े चुरा के दे? बिरजू देख कान खोल के सुन ले, फिर कभी तूने ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं, समझा? आएगा तो डांट दूंगी।
माँ माँ चुरा के दिया है। एक भावच क्या मिल गई है, हर वक्त शर्म दिखाते रहते। ला खाना लाओ। क्या क्या पकाया? जो पकाया वो तुम्हारे सामने आ जाएगा, पूछते क्या? जल्दी ला। कहूं कि ऐसी जरूरत थी तो मुझसे मांग लिया होते। खाना पकाया, आधे चावल कच्चे, ना नमक है ना मिर्ची। दिन में एक मरतबा खाना खाओ वो भी अच्छा नहीं मिलता। अरे क्या हुआ, जोर से पड़ गया क्या? लो ये संभालो अपना घर बार, मैं यहाँ मार खाने नहीं आई, मैं जा रही हूँ अपने घर। अरे बैठ तो, काहे को जाती है? तेरा छोटा है, तेरा देवर है। देवर है तो क्या जूते मारने के लिए? झूठ, उसे जूता कहाँ मारा, उसे तो तमाचा मारा है। ले मेरे मार, मार। पागल के, देवर और भावज में तो झगड़ा होता ही रहता है, इसमें नाराजगी क्या बात है? तुम रूठ गई बारे सजनिया, तुम रूठ गई, हाँ तुम रूठ गई बारे सजनिया, तुम रूठ गई। बलहारी और पाप बलहारी सजनिया, तुम रूठ गई, ओहो तुम रूठ गई बारे सजनिया, तुम रूठ गई। बस जाओ नहीं आदत मैं प्यार सजनिया, बस जाओ और हाँ बस जाओ नहीं आदत मैं प्यार सजनिया, दुखमारी सजनिया, दुखमारी सजनिया। बलहारी और हाँ बलहारी सजनिया, तुम रूठ गई, आह तुम रूठ गई बारी सजनिया, तुम रूठ गई। आरूठने वाले तुझे छाती से लगा ले, रहने तो ये बातें। मस्तानी सजनिया मेरी मतवारी सजनिया, मस्तानी सजनिया मेरी मतवारी सजनिया, बलहारी और हाँ बलहारी सजनिया, तुम रूठ गई, आहा तुम रूठ गई बारी सजनिया, तुम रूठ गई। अरे राधा बहन, तुम्हारे घर से चला रहा हूँ, वहाँ पता लगा कि तुम बाड़े में हो। क्यों क्या हुआ? अरे बड़ा गजब हो गया, जल्दी किसी को भेजो नहीं तो वो गिरो रख ही देगा। गिरो रख देगा कौन? अरे बिरजू तुम्हारा और कौन। अरे क्या हुआ काका, क्या हुआ? अरे बेटा आज सवेरे बिरजू मेरे पास आया और कहने लगा कि मेरे हिस्से की जमीन रख लो, मुझे 2000 रुपए की सख्त जरूरत है। मैंने साफ इनकार कर दिया, मैंने कहा कि राधा बहन से पूछ के आया है, तो कहने लगा उसे तुमसे क्या मतलब, मैं आधे का हिस्सेदार हूँ, चाहे रखूँ चाहे भेज डालू चाहे आग लगा दू। मैंने कहा बाबा मैं तो रख नहीं सकता, दूसरे मेरे पास इतना रुपया कहाँ, बस बिगड़ गया वो तो। बोला चाचा क्या तुम समझते हो कि गांव में दूसरा कोई महाजन है ही नहीं, अभी जाके किशो मल के रख देता हूँ, बस ये करके फॉर्म उठ के चला गया। ये रामू तुम ही जाके उसे समझा के पकड़ लाओ। हाँ बेटा चला जा। अब वहाँ जाने से क्या हो सकता है माँ, वो तो रख भी चुका हूँ। नहीं भैया जाके देख तो ले, अभी ज्यादा देर नहीं हुई है। रामू सुन बेटा, जरा धीरे से समझा बुझा कर ले आना, मार पीट ना करना। बेटा आखिर तेरे मन में क्या समाये है, जमीन तो मैंने तेरे नाम कर ही दी थी, मेरे मरने का रास्ता तो देखो होता, मुझे कैसे बताऊं कि ये जमीन मैंने कैसी कैसी मुसीबतें उठा के खरीदी थी। दिन को दिन नहीं समझी, रात को रात नहीं समझी, ये सब किसके लिए? तुम्हें दोनों के सुख के लिए। मेरे भाग में सुखी कितना था, जो कुछ था तुम्हारे पिता साथ ले गए, अब इस संसार में मेरे लिए जो कुछ भी हो तुम्ही दोनों, अकेली होती तो भीख मांग के भी जीवन बिता सकते। बेटा मैं तेरी विनती करती हूँ कि मेरे होते हुए ऐसा ना कर,
मुझे शांति से मर जाने दे। बिरजू। रामू। ये तूने जमीन को गिरवी रखाई। सुनता मैं क्या कहता हूँ बिरजू? रामू। बिरजू ये तूने जमीन को गिरवी रखाई। रामू। मुझे रुपए की जरूरत थी। जुआ खेलने के लिए। हाँ। हाँ। रामू। बिरजू बिरजू। बिरजू। मेरा बच्चा मुझसे छूट गया। मेरा बिरजू वापस नहीं आएगा। बिरजू, माँ, बिरजू, बिरजू, लौटा। देख तेरी माँ तुझे पुकार रही है। क्या तेरे मन में बिल्कुल दया नहीं रही? क्या तू एक दुखी जीवन की पुकार नहीं सुन सकता? बिरजू, ईश्वर ये पाप तुझे कभी क्षमा नहीं करेगा। तू एक बूढ़ी माँ के आखिरी आशाओं के संसार में आग लगा के जा रहा है। बिरजू, मेरा बच्चा, बिरजू। माँ, माँ धीरे धर, शांत रह, इतनी निराश न हो माँ। रामू, मेरी आशा मेरी आंखों के सामने मुझसे बिछड़ गई। जा, मेरी आशा मुझे वापस ला दे। तू बड़ा है, छोटे भाई को मना के ले आ। जा, तेरे कारण मेरा बच्चा मुझसे रूठ गया। बिरजू, माँ बुला रही है। बिरजू, मैं इससे नहीं लड़ूंगा। अच्छा होता अगर ये छुरी माँ के कलेजे में पहुंच जाती। बिरजू, लौट आ, मुझे माफ कर दे। बिरजू, भैया, भैया बिरजू, लौट आ। लिखा है 2000 रुपया पुराने खंडहर में 12 बजे रात को आके रख जाओ, और नहीं रखोगे तो जान लेना गला घोट के मार डालूंगा। राधा बहन, बोलू मैं क्या करूं? तुम भी कोई उपाय करो राधा बहन, तुम्हारा बेटा है। अपना बुरा वक्त याद करो, मैं तुम्हारे काम आया था राधा बहन। अब मैं तुमसे बदला चाहता हूँ। देखो, एक तो इतना रुपया मेरे पास है नहीं, दूसरे 2-4 रुपए की बात होती तो मैं जैसे तैसे करके दे देता। ये 2000 रुपए में कहां से दूं राधा बहन? और दे भी दूं तो देने से पहले तो मेरे प्राण ऐसे ही निकल जाएंगे राधा बहन। किसी तरह जान बचा लो। बदमाश ने रुपया नहीं रखा, वो क्या करे बेचारा। जब मौत आ जाती है तो अक्ल कुछ काम नहीं देती। चलो उसके घर से चल के ले आए। कौन माँ? माँ, बेटा। माँ, मेरी माँ। माँ, माँ, तू यहाँ कैसे आई? तुझे देखने चली आई बेटा, तू अच्छा है? माँ, तू तो बहुत दुबली होगी, तुझे कैसे मालूम हुआ कि मैं यहाँ आऊंगा? उसी पाजी ने बताया होगा।
बिरजू, दया कर उस गरीब पर। काल के समय उसने मेरे साथ बड़ा सलूक किया था। माँ तू नहीं जानती, वो बुढ़ा बड़ा बदमाश, उसने हजारों पर जुल्म करके बहुत सा रुपया जमा किया है। माँ वो बड़ा हत्याचारी है। बेटा, उसने हत्याचार किया है तो भगवान उसे उसका फल देगा। तू अपने हाथ क्यों खून में रंगता है? माँ अब मुझे खून की कोई परवाह नहीं। ये हाथ सैकड़ों के खून में रंगते रंगते काले हो चुके हैं। माँ अब तू जा। नहीं बेटा, मैं तुझे साथ लेके जाऊंगी। नहीं नहीं माँ, हट न कर, जा। तू अपनी माँ से बातें कर रहा, इतना निर्दयी न हो। याद रख, इस बुढ़ी दुखियारी माँ के दूध और इन सूखे हुए कमजोर हाथों ने तुझे पाल पोस कर इस काबिल बनाया है कि तू आज बंदूक उठाए हुए है। लेकिन बेटा, मैंने तुझे इसलिए बड़ा नहीं किया था कि तू जवान होकर ये गुण करे। मैं तो जानती थी मेरा बिरजू बड़ा होकर मुझे सुख पहुंचाएगा, मरते समय मेरे पास बैठेगा। मैं अंधेरे में नहीं मरूंगी, मेरी आंखों में मेरे बच्चों का उजाला होगा। बेटा, मैं तेरे पांव पड़ती हूँ, दया कर ये बातें छोड़ दे। आज गांव वाले तेरी माँ को गालियां देती हैं, धिक्कारती हैं। वो राधा छाती कहकर नहीं पुकारते। बहादुर आदमी प्रेम के खिलौनों से नहीं खेलते। नहीं नहीं माँ, तू जा। आ मेरे पापा, माँ की गोद बच्चे के लिए हमेशा खाली रहती है। बिरजू, माँ मैंने तुझे एक मरतबा मना कर दिया कि मेरे बीच मत आ। माँ माँ को मार सकता है। मैंने किसी का दिल दुखा के कौड़ी नहीं लिया, ये सब सूझ जात का बच्चा है देवी। नमस्ते चार। नमस्ते नमस्ते, आओ आओ आओ, बैठो बैठो। बिरजू भैया, आंखें झूलती थी तुझे देखने को। और भैया, तेरी चिट्ठी भी मिली थी। जभी जो जवाब में जो देर हुई चाचा जी, तो मैंने कहा कि भगवान ना करना भैया, भगवान के सब दया है, रखो लग जाएगा भैया के। और अब भैया, जवाब की तुम ऐसी जानो कि अब एक अक्षर नहीं लिखा जाता, हाथ हर थर 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 कांपता है भैया। और भैया, मैं तो तुम्हें कितने दिनों से ढूंढ रहा था, मैंने तुम्हारा ब्याह पक्का करके रखा। कई दफे राधा बहन से कहा। चाचा जी, जब ही तो मैंने कहा कि चलो चाचा जी के दर्शन भी कर ले। और जो कुछ चाचा जी ने उम्र भर में जोड़ बटोर के रखा है उसे साथ ले ले, लगन के काम आएगा। है ठीक है ना चाचा जी? बात ये है चाचा कि अब तुम बुढ़े हो गए हो, रात रात अगर तुम्हारा दम निकल गया तो बड़ा गजब हो जाएगा। और कोई आरा गारा नथू खैरा सब ले गया तो भतीजा बेचारा मुंह देखता रह जाएगा। तेरी जवानी का दम किया, घर बार सब तेरा, लेकिन रुपया पैसा मेरे पास एक नहीं। घर बार तेरा, लेकिन कुटिया को हाथ में लगाना है। नहीं, 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 अच्छा तो चाचा, मैं लोगों को कह देता हूँ कि घर ढूंढ ले। भैया अच्छा भाई, जाओ घर ढूंढ ढूंढ लो भैया, तुम्हारा घर है ढूंढ लो। अब चाचा ये बतलाओ कि नगद नारायण का नगद नारायण मेरे पास सारे नाम का नाम ले भैया, चाचा के बाद की विश्वास, चाचा के बच्चे देख। टुकड़े करके फेंक दूंगा, यहां टिकरे में कुछ नहीं है।
रुपए बुट्ठे कहाँ रखे हैं? कुछ नहीं है बिरजू, मेरे पास कुछ नहीं है। बता। कुछ नहीं है बिरजू, बता। नहीं है, बता। नहीं है। बड़े गजब की बात है, कल सुखी लाला मारे गए और कौन जाने आज हमारी तुम्हारी बारी हो। भैया मुझे खुद रात भर नींद नहीं आती, अब तो इस गांव में रहना मुश्किल हो गया है। पांडे जी कोई उपाय भी समझ में नहीं आता। लेकिन इसका उपाय क्या, उन लोगों का पता ही नहीं मिलता। पांडे जी एक उपाय है, एक दिन उस चुड़ैल राधा और रामू को गांव भर सलाह करके खूब पीटो, बस पता चल जाएगा। लेकिन मैं जानता हूँ उन लोगों को भी कुछ पता नहीं। बदतमीज कहेंगे, शर्म नहीं आती ऐसे, भागो, भागो यहाँ से, बाजी कहेंगे, बेशर्म। जाने दे बेटा। भागो यहाँ से। ठहरो ठहरो, समझ लो समझ लो। क्या समझ लो, छोड़ो मुझे, आज मैं इन सब पाजियों का सर तोड़ डालूंगा। मेरे जीते जी श्यामू भैया की स्त्री पर यह अत्याचार हरगिज नहीं हो सकता। होश में आओ, होश में आओ, सारे गांव में तुम भी नक्कू बनोगे। पंचों से लड़के कोई जीता है? भाइयों, तुम्हें मेरी बूढ़ी माँ को सताते शर्म नहीं आती? चार दिन पहले तुम इसे चाची कहकर पुकारते थे, आज तुम इसे पत्थरों से मारते हो। बड़े अफसोस की बात है माँ, दिन बीतते बीतते हम खुद बीत जाएंगे। तुझे ये अच्छा लगता है माँ कि लोग तुझे पत्थर मारे, तुझे गालियां दें? मुझसे ये नहीं सहा जाता। बेटा मैं तो जब तक जिंदा रहूंगी तेरे पिता की आस लगाई इसी घर में पड़ी रहूंगी। भगवान जाने कब उनको तुम लोगों की याद आ जाए, मैं घर छोड़ दूं। अगर वो आ गए घर अकेला होगा, वो बेचारे किधर जाएंगे? अब तो वो भी बूढ़े हो गए होंगे, गांव में तो उन्हें कोई पानी भी नहीं देगा। देखिए सरकार, हमारे अड्डे के आस पास बड़ी फेर से फिर रहा है, नाम निशान पूछते हैं तो गुंडा बनकर हमें उल्लू बनाना चाहता है। अच्छा खोल दो इसका मुंह। रामू भैया, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? किसी ने नहीं, बड़ा भाई अपने छोटे भाई को देखने आया है। मैं भाई भाई कुछ नहीं जानता, तुम यहाँ चले जाओ। बिरजू माँ का आखिरी समय, ईश्वर जानता दिन भर तेरा नाम लेके रोया करती है, हर वक्त घर में पड़ी रहती है। बिरजू गांव वालों ने घर से निकलना बंद कर दिया है, लड़के बच्चे पत्थर मारते हैं, ढेर चमार गालियां देते हैं, डायनर चुड़ैल क्या क्या पकाते हैं। बिरजू तेरी वजह से तेरी बूढ़ी माँ की ये गत हो रही है, भगवान को मान के अब घर चल, ये सब छोड़ दे। मैं तेरे अच्छे के लिए कह रहा हूँ, मैं माँ के लिए कह रहा हूँ बिरजू। रामू भैया अब मैं बच्चा नहीं। जो दुख भरी कहानियां मेरे मन को पिघला दे, संसार में दुख सुख सब होते ही रहते हैं, मुझे इन बातों की कोई परवाह नहीं। अब तुम जाओ। बिरजू मैं आज घर से ठान के चला हूं कि तुझे साथ लेके जाऊंगा। आज या तो तू नहीं और या मैं नहीं। भैया तुम्हारी शादी हो चुकी है। जानबूझकर जवान पत्नी को विधवा बनाना बड़ा पाप है, बस तुम्हारी इसी में खैर है कि चुपचाप चले जाओ। बिरजू मैं तुझे साथ लेके जाऊंगा। मैं कहता हूँ चले जाओ। बिरजू तुझे चलना पड़ेगा। मैं कहता हूँ चले जाओ। तू कैसे नहीं चलेगा, देखो तो। बोलो, बोलो, चलता है कि नहीं। खबरदार, इसको उठा के बाहर ले जाओ।
बिरजू तू ठीक नहीं कर रहा, मेरे लिए नहीं तो अपनी माँ के लिए चल, मान जा अपनी मान जा बिरजू। तुम्हारी बेटी की लगन हो रही और तुम अभी तक घर में बैठी हो, चलो उठो, जैसे तुम्हें मालूम ही नहीं था। मालूम क्यों नहीं था बहन, लेकिन तुम मुझे वहां ना ले जाओ। मैंने सुना है कि गांव वाले कहते हैं राधा आएगी तो हम लोग नहीं आएंगे। कहने दो, ना आएंगे तो क्या मेरी तुलसी की लगन रुक जाएगी? वाह बहन, खूब कही, अच्छा ढोंग बना के बैठी हो, चलो उठो, तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। कमला, मैं इसलिए नहीं आई कि एक के कारण शादी वाले घर में काहे को झगड़ा हो, नहीं तो मैं अब तुलसी के लगन में ना आती। अच्छा अच्छा, उठो उठो। तो हम लोग नहीं बैठ सकते। बंसी भैया, अब तुम अकेले ही शादी कर लो, हम लोग जाते। चलो चलो, बताओगे भी? मगर नाना, कुछ बताओगे भी? हमसे कुछ भूल हुई? भूल हुई? हमसे पूछते हो भूल हुई? हमने कह दिया था अगर राधा शादी में आएगी तो हम लोग नहीं आएंगे। चलो भाई। अरे लाला, तुम भी कैसी बातें करते हो? राधा बहन क्या कोई नीच है, अछूत है, क्या है? नीच और अछूत से होते रहे, नीच और अछूत इससे अच्छे होते हैं, नीच और अछूत इससे अच्छे होते हैं। हाँ लाला, सच कहते हो, नीच और अछूत मुझसे अच्छे होते हैं। कमला बहन, मैं जाती हूँ, मैंने तो पहले ही कहा था मुझे मत ले जाओ। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। अच्छा अच्छा, हम लोग ही जाते हैं। लेकिन भाई, राधा बहन का दोष क्या है? दोष क्या है? ये अपने लड़के से गांव में डाके डलवाए, खून करवाए, और तुम पूछते हो दोष क्या है? नाना भाई, वो तो बेचारी उस बदमाश से खुद आजिज है, मगर वो मजबूर है। खूब होशियारी से, जब तक मैं दूर ना निकल जाऊं, तुम सबको रोके रखना। चलो जाने दो, जाने दो, तो होंगे तभी शादी होगी। अरे चल रहे, चल रहे, चलो चलो लोगों को सबको घेर लो। अरे जाओ, खड़े क्या हो? अरे मुंह क्या देख रहे हो? धिक्कार है तुम पर खा लो, चार चोरों से डर कर मारो इन बदमाशों को, मारो 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 बिरजू, बिरजू क्या कहता है? देखता नहीं शादी कर रहा हूँ। नहीं हो सकता है, दूसरे की पत्नी हो चुकी है। कहा तो आदमी अपनी पढ़ाई कुछ नहीं जानते। नहीं ले जाने दूंगा, हर सुखी बात। राधा बहन, मैं तो लुट गई, कहीं की न रही। अच्छा हुआ जो ले गया, और बुला अपनी राधा बहन को, वो तो एक दिन तुम्हें भी ले जाएगा। अरे इसी टाइम से गाँव के ले जाए। हाँ इसी से गाँव लेकर आए, अगर नहीं लाए तो इसका घर भूख दो। ला दूंगी, जरूर ला दूंगी, ला दूंगी। कब ला दूंगी? जब वो सारे गांव के माथे में कलंक का टीका लगा देगा, वैसे ऐसे शादी कौन करेगा? मेरा बिरजू ऐसा नहीं। बिरजू
रामू, बिरजू, 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 भगवान के लिए चना ले जा। माँ मुझे छोड़ दे। बिरजू, 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 कमला के एक ही बच्चा है, वहाँ पे बच्चे को नहीं जीते नहीं तुम विश्वर मुझसे मेरे बच्चे की भेंट ले लेगा। बिरजू, 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 तुम भी को ना ले जा, मैं गांव वालों से जुबान हार के आई हूँ। तेरे बिरजू ने मरते मरते गांव वालों के सामने तेरी बात रख ली और भगवान के सामने तेरी भेद भी पूरी हो गई थी। मां माँ, ये तूने क्या किया? एक औरत ने गांव वालों को वचन दिया था, उसे पूरा किया। कमला लो। माँ, भगवान एक औरत की लाज रखने को तूने मां से बेटे की भेंट ली, अब मां की भी लाज रख ले। मां, मां,